जो ट्रैक्टर में और टायर में घुमा है अगर वो एसी वाला कार में घूमे वो भी हाई लेवल के तो सुकून नहीं मिलेगा। शादी भाई हो होगा काहे नहीं होगा भाई कि बन के ओढ़निया रे पगला सिनेमा से सट जाते अरे सट जाते तू सट जाते आके बाहीं से लिपट जाते। स्वागत है आप लोगों को बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज में। चलिए आज दो शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि हम आ चुके हैं दिल्ली, जो कि एक है संजय धड़कन जी और एक हैं जो कि राइटर फिरोज फैशन जी। कैसे हैं आप लोग? मस्त है, इनसे पूछिए। ठीक है चकचका रहा है जी। तो चलिए आप लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि आप लोग आए हुए हैं बिहार से अभी फिलहाल दिल्ली, जो कि बहुत अच्छा से जो कि मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत भी हमने देखा, और किस तरीका से अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं धनंजय धड़कन जी के लिए? मेहनत तो पहले से ही जारी है जी और अभी भी जारी है और जारी रहेगा जी। अथवा देवी सॉन्ग से लेकर के लोकगीत से लेकर के साइड सॉन्ग से लेकर के और लव सॉन्ग तक जी मेहनत जारी है, जारी है। और मतलब रिकॉर्ड के लिए धनंजय धड़कन भी तैयार है, रात दिन एक किए है जी। हम लोग भी लिखने के लिए तैयार है, रात दिन एक किए है जी। बस यही। चलिए संजय धड़कन जी आपसे बात करते हैं, आप कैसे हैं? मस्त है, और आप कैसे हैं? हम तो बहुत मस्त हैं। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आपका भाई साहब का गाना आजकल बहुत अच्छे तरीका से जो कि वायरल हो रहा है लगातार, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहेंगे, भाई साहब का सपोर्ट है, प्यार है, तभी तो बज रहा है और आगा सॉन्ग आ रहा है जी। चलिए मेरा सवाल रहेगा कि आपके भाई साहब जो कि खेसारी लाल यादव जी से मिले, उसके लिए क्या कहना चाहिए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न है, खुश है जी। खेसारी, चलिए एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धनंजय धड़कन जी एक पोस्ट किए हुए थे कि खेसारी लाल यादव जी से बात हुआ मीठी मीठी और अब कुछ खास होगा, इसका क्या मतलब है? मीठी मीठी जी जी, उनसे मीठी मीठी बात ढेर सारी हुई जी जी। हम तो वहाँ नहीं थे जी जी। भैया पोस्ट करबे किए तो आप लोग देखे ही होंगे जी जी। कुछ फैंस लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव जी से मिले हैं तो फिल्म को लेकर जो कि धनंजय धड़कन जी को खेसारी लाल यादव जी से बात हुआ, क्या इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, अभी फिल्म के लिए तो कोई बात नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलेंगे जी जी। और खेसारी लाल है कि जो कि भैया से मिले और भैया उनसे मिले जी। तो दोनों आदमी के बीच बस यही अपना जीवनी और स्ट्रगल के बारे में बात हुआ जी। कि आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं जी जी, काम धंधा सब ठीक चलता नु बाबू? खेसारी भैया भैया से पूछता हूँ, सब ठीक चलता, बस यही सब बात जी। चलिए फिरोज फैशन जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आपका कौन सा ऐसा हिट गाना है जो कि धनंजय धड़कन जी को दिए थे जो बहुत बड़ा लेवल पर बजा हुआ था? मेरा जो गाना है ज़्यादा से ज़्यादा हिट हुआ है मार्केट में तो सैड सॉन्ग और लव सॉन्ग जी जी। अब ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा गाना हिट है, मुझे खुद याद नहीं जी जी। हमको सुनाना चाहिएगा, हमको याद है जी, सुनाना चाहिएगा आप लोग। प्यार में भिखार बन के पाँव के पायल छन छन करे जी जी। उस गाने को सुनाना चाहिएगा अपने दर्शक लोगों के बीच में, आप सुनाइए ना वो अपने प्यार में भिखार बन के। सुनाइए प्यार में भिखार बन के, जब संजय जी याद दिला दिए है तो थोड़ा गुनगुना लेते हैं जी जी जी। वो मैटर ऐसा था, हो बर्बाद मोर कोई के जिनी गया, चैन लूट ले लू नैना से निंदिया, हो बर्बाद मोर कोई के जिनी गया, चैन लूट ले लू नैना से निंदिया, रहे जिंदगी में तोहरे जरूरत, ओ काहे कई लेलू हमारा से नफरत, कई लेलू हमारा से नफरत, तोरा प्यार में बानी हमें तरे पलत, तू हम सहले अकेले सारा उल्फत, प्यार में भिखार बन के हो प्यार में भिखार। बहुत मतलब ये गाना पहले अब पुराना हो चुका है, शायद 2021 में शायद ये गाना मार्केट में लॉन्च किया गया था, और शायद अब उसके बाद तो अब क्या क्या मुझे खुद याद नहीं है कि शायद मैं कितना गाना लिख चुका हूँ। आपसे मेरा एक सवाल है कि बहुत दिनों से आप धनंजय धड़कन जी के साथ जो कि गाना लेके नहीं आ रहे थे, इसका क्या रीजन था? अब देखिए मैं अब मतलब अभी दो महीना से क्या है कि
थोड़ा मतलब मेरा आउट भी एक काम है उसमें लग जाते हैं, और काम में लगने के बाद जो है कि शायद ध्यान भटक जाता है, और कोई भी व्यक्ति हो काम तो संभालना एक ही मुश्किल हो जाता है। और बात रह गया कि अब इनके साथ है और साथ रहूँगा और काम पूरा अच्छा से होगा, और इनके साथ रहने से बहुत ही अच्छा है, बहुत सुकून मिल रहा है। धनंजय धड़कन जी का सपोर्ट आप लोगों के लिए कितना मिलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना मिलता है उतना हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक है। मतलब जो सपोर्ट वो दे रहे हैं और हम लोगों के तरफ से भी इतना सपोर्ट मिल रहा है, मतलब एक समझिए कि घर परिवार जैसा लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए संजय धड़कन जी, आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा कि आपके भाई साहब का जो कि इतना अच्छे 25 लाख के जो कि कार खरीद लिए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई जी, जो ट्रैक्टर में और टायर में घूमा है अगर वो एसी वाला कार में घूमे वो भी हाई लेवल के तो सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, यही बात है जी। और आपके भाई साहब के ऊपर जो कि बहुत सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर धनंजय भैया का शादी कब होने वाला है? शादी भाई होगा क्या नहीं होगा भाई? आपका भी होगा, हमारा भी होगा, इनका भी होगा। आपका हो गया है? नहीं, इनका हो गया है। मेन बात होता है आदमी का स्ट्रगल और एक मंजिल। अभी भैया मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम लोग रेंगिए रहे हैं, जहां वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। आपके भाई साहब का फिल्म कब तक आ रहा है? भैया का फिल्म देखिए दशहरा तक ले आ जाए तो ठीक है। उसका काम धंधा जैसे कि अभी सब कुछ हो गया है, म्यूजिक बैकग्राउंड लग रहा है, DI हो रहा है, उसके बाद आ जाएगा, बस एक दो और काम बाकी है। आपके भाई साहब का फिल्म आ रहा है, आपको भी फिल्म में मिलेगा ऑफर काम करने के लिए? भाई साहब चाहेगा तो जरूर मिलेगा जी। प्यारा से बात, टैलेंटी के ऊपर है। संजय धड़कन के अंदर जो टैलेंटी होगा जी, देखिए काला से कुछ होता है, कहने से कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर इनके पास टैलेंटी है, काला है, तो शायद मिल भी सकता है क्या जी, समय की बात है जी। चलिए संजय धड़कन जी, आपका एक गाना बहुत हाई लेवल का वायरल हुआ था, जो कि अपने फैंस लोगों को सुनाना चाहिएगा। हाई लेवल का वायरल नहीं हुआ, काया झूठ बोलेंगे भाई, जैसे बंसी टुनटुनाता है उसी तरह भी टुनटुनाया है। गाना का एक लाइन है कि बन के ओढ़निया रे पगला सिनावा से सट जाते, अरे सट जाते तू सट जाते, आके बाहीं से लिपट जाते, तू बन के ओढ़निया रे पगला करे जावा से सट जाते। तो जाते जाते बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को क्या कहना? बस बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को बस सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब में उड़ के हुड़ के तोड़ दीजिए, बस टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि इस तरह का अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। बस चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हो भोजपुरी समाज।